नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरगांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस घटे हैं। सोमवार को 255,874 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2.67 लाख लोग ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.36 लाख है। रविवार को पॉजिटिविटी रेट 20.7% था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि एक तरफ जहां पूरे देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है, यह शर्मनाक है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में दो दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। देश के 8 राज्यों में पारा 5 डिग्री तक गिरने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अगले 2 दिन तक मौसम बेहद गंभीर रहेगा। घने कोहरे, शीतलहर के अलावा कई हिस्सों में बारिश की आशंका भी जाहिर की है। किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल ने कहा कि रोड़ा एक्ट में संशोधन के संबंध में कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। यह सुनकर किसान प्रतिनिधि भी चौंक गए हैं। राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रोड़ा एक्ट के संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के लेवल पर अप्रूवल के लिए नहीं आया है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस बारे में ज्ञापन देने आए प्रतिनिधि मंडल को भी बता दिया था। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना बेगौत में खेरपुरा गांव की एमबीसी वर्ग की पुरुष एवं महिलाओं पर बेगौत थाना अधिकारी द्वारा जबरन गिरफ्तार कर बेल्ट एवं पट्टे से मारपीट की गई। इस मामले में निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। राशमी में राजीव गांधी जल संचय योजना पंचायत समिति राशमी के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा आर्णी ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम गोपालपुरा में कराए गए जल संरक्षण के कार्यों का निरीक्षण उपखंड अधिकारी नीता वसीटा द्वारा किया गया। शहडोल जिले के ग्राम चचाई बाणसागर देवलोन में लालमन देश के यहाँ एक झोला छाप डॉक्टर दवाई के नाम पर 9,000 लूट ले गया। मरीज की हालत खराब होने पर परिजनों ने जब वहाँ पे फर्जी झोला छाप डॉक्टर को बताया कि मरीज की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, वहीं आनाकानी करने लगा। ये झोला छाप डॉक्टर अपने आप को सीधी जिले का रहने वाले बताया है। उसके पास से उक्त कोई भी वैधानिक सर्टिफिकेट नहीं दिखा तो यह लोग किसी तरीके से फर्जी डॉक्टर पर प्रशासन अब कैसे लगाम लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आज भी ऐसे बहुत से अनपढ़ और गरीब व्यक्ति हैं जो किसी भी झांसे में आ जाते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी ऐसे झूलाछाप डॉक्टरों के हवाले कर देते हैं। चांदपुर पुलिस कोतवाली ने सीनियर सब इंस्पेक्टर श्रीपाल कुंडी के पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में ग्राम जलीलपुर, खानपुर, कमलापुर, रवाना और चौकी पांडवनगर क्षेत्र के अंदर गांव दतियाना, नंदलौर आदि में पहुंचकर पैदल मार्च किया।
इस दौरान क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेते हुए चुनाव को प्रभावित करने वाले के विषय में जानकारी की। साथ ही कहा कि यदि असामाजिक तत्वों ने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजनौर में विधानसभा चुनाव की नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर आज नटौर विधानसभा से घोषित भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार आज अपना नॉमिनेशन कराने के लिए बिजनौर रवाना हुए। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी गलियारों में रौनक बढ़ गई है। साथ ही बिजनौर में नॉमिनेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी प्रत्याशी अपनी नॉमिनेशन प्रक्रिया में जुट गए हैं। यहाँ आज नटौर विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार अपने दर्जनों समर्थकों के साथ में नॉमिनेशन कराने पहुंचे। वहीं विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की गई और घर से शुभ मुहूर्त लेकर विधायक ओम कुमार अपना नॉमिनेशन कराने पहुंचे। इस मौके पर विधायक कुमार ने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया जताते हुए बंपर वोटों से जीत दर्ज करने का वादा किया है। नटौर विधानसभा से गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी मुंशी रामपाल व नटौर विधायक भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के बीच भारी टक्कर देखने को मिलेगी। राजस्थान में जिले के अंदर सर्दी का कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। बर्फीली हवाएं लोगों की कपकपनी छुटा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर मौसमी व बेजुबान लोगों को हो रहा है। जिले के अंदर मंगलवार सुबह पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को आसमान साफ रहने से तेज धूप खिली रही जिससे सर्द हवाओं को बेअसर कर दिया। इससे बाजारों में लोगों की खासी चहल पहल देखने को मिली। कड़ाके की सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही। जगह जगह लोग अलाव जलाकर तापते हुए नजर आए। बता दें कि शुक्रवार व शनिवार रात को हुई बारिश के बाद में सर्दी बढ़ गई। मौसम विभाग ने भी आगामी दो दिन सर्द हवाओं के साथ में तापमान में गिरावट का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 9480 नए केस मिले हैं जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 5 मौत जोधपुर में हुई है। जोधपुर के अलावा सोमवार को जयपुर झालावाड़ समेत 13 जिलों के अंदर कोरोना से मौत हुई है। 11 जून के बाद में आज पहला ऐसा मौका है जब कोरोना से एक दिन में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा आज दूसरे दिन में माइनस में दर्ज हुआ जहां न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है जिसके कारण वहां पे पहाड़ों और मैदानी जगहों पर ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गई। जयपुर मौसम केंद्र के माने तो कोल्ड वेव का असर अगले दो दिन तक और बना रह सकता है। आबू में आज सवेरे जगह जगह ओस की बूंद बर्फ में तब्दील हो गई। खुले मैदान गाड़ियों की छत पर फूल पत्ती समेत तमाम जगहों पर बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फीले मैदान पर सुबह सुबह पोलो ग्राउंड में खिलाड़ी फुटबॉल खेलते नजर आए। माउंट आबू प्रदेश का एकमात्र ऐसी जगह है जहां आज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर -3 डिग्री पे पहुंचा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।